अकाली दल दे एनडीए तो अलग होने बोलदे विधानसभा च विरोधी धिर दे नेता हरपाल चीमा ने कहा कि अकाली दल नूं 6 महीने पहला ही एनडीए तो नाता तोड़ लेना चाहिदा सी। पंजाब दा बच्चा बच्चा जानदा है कि अकाली दल ड्रामा कर रहा है, हुण अकाली दल नूं कोई भी मूंह नहीं लगाएगा। 2022 च अकाली दल दा हाल 2017 नालों भी माड़ा होगा। दल ने जो पुराना साथ चल रहा था भाजपा के साथ वो रात तोड़ दिया, अब आप विरोधी दल के नेता हो तो क्या कहेंगे, पंजाब में क्या समीकरण बनने वाले हैं? आप देखिए, जब जब बिल पास हो गया तब तक अकाली दल की सपोर्ट किसको थी? बीजेपी को थी। तब तक इस कानून के पक्ष में बात कर रहे थे। अब जब वो पास हो गया, जब देश की पार्लियामेंट में जहां इनको चुन के लोगों ने भेजा है तो उसी वक्त तक किसी की बात नहीं की। अब ये गठजोड़ तोड़ने की बात कर रहे हैं। ये गठजोड़ तोड़ना था तो कम से कम 6 महीने 6 महीने पहले तोड़ते, तब जाके लोगों का फायदा होता। आप पंजाब के बच्चे बच्चे को पता है कि अकाली दल जो है वो ड्रामे कर रहा है, ड्रामेबाज पार्टी बन चुका है। जैसे कोई ड्रामेबाज होता है उसको कोई लोग सीरियस नहीं लेते। इस वक्त भी जो है सुखबीर सिंह बादल उसकी पार्टी को कोई भी पंजाब में सीरियस नहीं ले रहा। किसानों के पक्ष में नहीं चला जाएगा किसान अकाली दल? ये काला कानून, ये फांसी का फंदा तो अब पास हो गया, इसका अब क्या फायदा? ये इस्तीफा देना था, रिजाइन करना ही था तो 6 महीने पहले करते, जब ये ऑर्डिनेंस आया था, जब ये काला कानून आया था उस वक्त करते। अब तो ड्रामे कर रहे हैं ये बात लोग, पहले उसी कैबिनेट में बैठ के किसानों के खिलाफ फैसले लिए, अब ये लोगों को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। अब ऐसा पंजाब के लोगों को पता है, जो अकाली दल है पंजाब के लोगों के खिलाफ है। आज पंजाब का बच्चा बच्चा इसका बाइकआउट कर रहा है। आज पंजाब के हर एक गांव में, आज पंजाब के हर एक नगर में, शहर में इनके खिलाफ बड़े बड़े पोस्टर लग चुके हैं। इनका बाइकआउट हो चुका है, इनका सोशल बाइकआउट हो चुका है। अब ये अपनी खोई हुई सियासी जमीन तलाश रहे हैं, उसमें लगे हुए हैं, पर लेकिन पंजाब का कोई भी आदमी इसको मुंह नहीं लगाएगा। क्या 2022 की तैयारी में लगे हुए हैं इसीलिए इतना बड़ा? जितना मर्जी ड्रामे कर लें, जितनी मर्जी तैयारी कर लें, 2017 से भी माड़ा हाल, उससे भी माड़ा हाल अकाली दल का 2022 में होगा। आप देखना कि इसके 117 के 17 हलकों में पंजाब में पूरी तरह जमानतें जब्त होगी, लोग इनको घरों में नहीं बढ़ने देंगे, लोग इनको भगाएंगे। देश दुनिया ते कोरोना महामारी का असर, इस जरूरी है कि तुहानू मिले सही जानकारी अते पता होवे सच्ची खबर। अजीत वेब टीवी दे सैकड़े पत्रकारां दी है हर पल हर जगह ते हर स्थिति ते पैनी नजर। पिंड कस्बा शहर होवे या देश विदेश, असी जुड़े हां तुहाडे नाल अखबारां ते सोशल मीडिया राही। कलम दी ताकत ते वेब टीवी दे माध्यम दे नाल हर जन तक पहुंचावांगे हर मन दी आवाज। हर आमो खास ते हकूमत नूं भी करांगे सवाल जवाब। आप नहीं तां पहुंचेगी साडी वीडियो कॉल। अफवाहां तों बचो अते सच्चियां ते सही खबरां दे लई जुड़े रहो अजीत वेब टीवी दे नाल।